परम सत्कारयोग साध संगत जी, एक बार सारे ही गज के आखो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। तो एक बार हाजरा हजूर सतगुरु ने याद करते हुए सारे ही फिर एक बार आखो धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, अज की साखी का विषय है जाकी लीला की मित नाही। बेअंत पातशाह श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी लीला नू कौन वर्णन कर सकता है। समुंदर विचों एक बूंद मात्र दस रही हाँ। तलवाड़ा पिंड के एक सिख कश्मीर सिंह के 8 महीनों के बच्चे नू ठंड लग के बुखार चढ़ गया। बच्चे नू सरसे हस्पताल दाखिल करवाया गया। कोई 8 महीने तक इलाज चलता रहा पर कोई फर्क ना पिया। जो इलाज करा के हार गए तो मस्तानगढ़ आके सच्चे पातशाह जी अगे अर्ज की कि सच्चे पातशाह जी, असी इसका इलाज करा के हार गए हाँ, हुण ते साडे कोल इलाज करवाउण लई पैसा भी नहीं रहा। आप जी कृपा करो। सच्चे पातशाह जी ने बच्चे वल वेख के हुक्म किया कि इस नूं भैणी साहब लै आओ। नाल ही सेवकां नूं हुक्म किया कि इन्हां नूं भैणी साहब आउण लई किराया दे दिओ। वह बच्चे नूं लै के भैणी साहब पहुँच गए। उस वेले बच्चे की हालत बहुत ही नाजुक सी। उस दे अंदर पानी भी नहीं सी लंघदा। उस दी आवाज़ भी बंद हो चुकी सी। श्री भैणी साहब आउण ते सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि इस नूं लुधियाणे दीप हस्पताल विच दाखिल करा दिओ। हस्पताल लियाउण ते डाक्टर ने बच्चे की हालत वेख के दाखिल करन तों मना कर दिता। उस वेले उस बच्चे दे मां बाप ने कहा कि सानू अपने सतगुरु जी का हुक्म है, तुसी भावें थोड़े चिर लई बच्चे नूं दाखिल कर लवो, फिर छुट्टी दे दिया जे। डाक्टर ने बच्चे नूं दाखिल कर लिया अते ग्लूकोज चढ़ा दिता। डाक्टर की हैरानी की हद ना रही जदों उन्होंने देखा कि बच्चे ने अखां खोल लईयां हन। उन्हां दा हौसला वध गया। वह 18 दिन तक बच्चे का इलाज करते रहे पर कोई फर्क ना पैंदा वेख के उन्होंने छुट्टी दे दिती। बच्चे दे मां बाप बच्चे नूं लै के श्री भैणी साहब आ गए अते आ के उस नूं राम सरोवर इशनान कराया। उन्होंने दुखी हो के सारियां दवाइयां छड़ दित्तियां। इशनान कराउण तों बाद बच्चे दी थोड़ी जिही रोण दी आवाज़ निकलण लग पई। 3-4 दिनों बाद सच्चे पातशाह जी भैणी साहब आए अते बच्चे नूं सच्चे पातशाह जी नूं मत्था टकाया। उस तो बाद बच्चे नूं आपे ही फर्क पैना शुरू हो गया। 10 दिनों के अंदर ही टुरन भी लग पिया। थोड़े दिनों विच ही बच्चे का 5 किलो वजन भी वध गया। जिस दे अंदर पानी नहीं सी जांदा वह रज के रोटी खाण लग पिया। सच्चे पातशाह जी वेख के बहुत खुश होकर बचन किया कि सतगुरु जी ने बहुत छेती कृपा कर दिती है। पर बच्चे दे मां बाप नूं तां पता ही सी कि कृपा करन वाले तां आप ही हन। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।